लोगों की गाड़ियों की वजह से प्रदूषण इतना फैला हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो दारू की फैक्ट्रियाँ हैं या और कोई फैक्ट्री है, उससे जो धुआं निकलता उसका कोई है इसके पास, इनके पास कोई मसला हल है? वो तो नहीं है ना इनके पास। वो फैक्ट्रियाँ बंद करवाओ, जो जहाँ से प्रदूषण फैल रहा है वो बंद करवाओ ना, गाड़ियों से कितना प्रदूषण फैल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ। और सरकार लगातार कानून बदलती आ रही है। जो NCR था उसका कल से चल रहा है कि 100 किलोमीटर तक सिर्फ NCR रहेगा, लेकिन उसी के साथ एक दूसरा कानून भी बना दिया है कि 15 साल तक पेट्रोल की गाड़ी और 10 साल तक डीजल की गाड़ी चलेंगी। आज हम टोहाना के श्री बालाजी टूर एंड ट्रेवल्स टैक्सी स्टैंड पर पहुंचे हैं। यहाँ पर ड्राइवर बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि जो ये कानून सरकार लेकर आ रही है उसका इन पर कितना असर पड़ेगा। तो इनसे आज जानेंगे कि इस कानून का इन लोगों पर कितना असर पड़ेगा। तो सर नमस्कार। राम राम जी। तो आपने पता होगा कि लगातार सरकार कानून बदलती आ रही है। NCR के अंदर था, अब कुछ दिनों बाद पूरे हरियाणा के अंदर लागू कर दिया जाएगा। जो गाड़ियाँ 10 और 15 साल तक चलती हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल की हैं, तो उसका आप लोगों पर कितना असर पड़ेगा? असर तो ऐसा है जी, पहली बात तो आपको राम राम मीडिया वाले को। पता क्या है जी, जो गाड़ी है 15 साल तक की वैलिडिटी होती है गाड़ी की, जब नवी गाड़ी निकलती है तो उस पर RC खर्चा भी होता है। देखो 1 लाख रुपये के साथ 8,000 रुपये खर्चा होता है। जैसे 10 लाख की गाड़ी है तो आप देख लो अब कितना खर्चा आता है उसके ऊपर। फिर आप कह रहे हैं तो हम गाड़ियों को बंद करेंगे, कैसे बंद करेंगे जी? अब ये बताओ, जब वैलिडिटी पड़ी है गाड़ी की, साल की पड़ी है, किसी की 2 साल की पड़ी है, किसी की 4 साल की पड़ी है, तो आप उतने दिन तक तो चलेगी गाड़ी, उससे बाद में कर सकते हो जब वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। और फिर भी महकमे वाले उसको जी 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की वैलिडिटी बता देते हैं गाड़ी की हालत देख कर। जब हमारी गाड़ी का बीमा ओके है जी, प्रदूषण ओके है, लाइसेंस ओके है ड्राइवर का, और गाड़ी के पेपर ओके, RC ओके है, गाड़ी पे लोन है जी, हमारे बच्चा का पहले ही कुछ तो लॉकडाउन ने हमारा हालत ख़राब कर दी। 3-3, 4-4 महीना की किस्त वो ड्यू होकर है, हमारे को फैन लगा रखा है। जब लॉकडाउन खुला उस टाइम बोले भाई आपने किस्त भरनी पड़ेगी, नहीं हम गाड़ी उठा के ले जाएंगे। आप ये बताओ, हमारे जेवर रख रख कर घर वाले के बच्चा के पैसे निकाल निकाल कर गलियों में से हमने वो गाड़ी की किस्त पूरी भरी जी, जब जाकर हमारा पेंडा छुटा। अब ये कह रहे हैं हम गाड़ी का कूड़ा बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो ये तो गरीब मारी है जी, हमारे बच्चे की रोटी छिन जाएगी। हम सरकार पैसे को नौकरी थोड़ा मांग रहे जी। हम तो एक ही विनती करते हैं भाई, इस कानून को कैंसिल करो और जो गाड़ियाँ चल रही हैं ऐसे ही चलने दो, सरकार से ये विनती है जी हमारी। सर आप क्या कह रहे थे जो टैक्स वगैरह की बात? मैं तो ये कह रहा था सर, जैसे नई गाड़ी टैक्स ये 15 साल का ले रहे हैं जी, तो जब आप बंद कर गए तो 5 साल, हमारे को तो 5 साल का टैक्स लगा ही हुआ है फालतू सर जी। तो हमारे को इसका बेनिफिट क्या, हमारे को कुछ वापस थोड़ी मिलेगा? हाँ। तो हम अपनी रोजी रोटी कहाँ से कमाए खाएंगे? हमारा तो घर इसी पर निर्भर है ना जी। बिल्कुल। तो आप किस्त वाला किस्त हमारे से मांगे, हम कहाँ से देंगे जी? ये जो हमारे 5-5 लाख की गाड़ी दे रखी है, ये 40-40 हज़ार में जाएंगी, तो हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आप अगर कोई ऐसा आपके दिमाग में आइडिया है वह सरकार इस कानून को बदल के और कुछ इसके अंदर कर सकती है? हम तो कहते हैं सर कुछ और मनता नहीं सर। तो आप ये बताओ, लाखों करोड़ों बंदे हैं जो बेले हो जाएंगे, आप ये बताओ खाने को कहाँ से मिलेगा उनको? परिवार सारे टेंशन में हो जाएंगे, अब इसे ओए रहे हैं। जब पेपर पूरे हैं गाड़ी को तो हमारे को क्यों रोक रहे हैं? क्यों हमारी गाड़ियों को जब्त करनी चाहती है सरकार? सरकार चाहती क्या ये तो देखो आप बताओ। जैसे लोन पे गाड़ियां ली जाती हैं और 15 साल तक लगातार किस्त भरनी पड़ती है, जब वो कमाने के अपनी खुद की गाड़ी होती है कमाने लगते हैं तब वो कबाड़ बन जाता है। लॉकडाउन का ड्यू नहीं पट्टे जी मर पे तो पहली बात तो, और अब फिर वो गले में गुट्ठा दे रही है हमारे जी बता, हमारे तो बच्चे सड़क पा जाएंगे जी बता, हम क्या करेंगे बता? अपने आप में हत्या कर लेंगे और क्या करेंगे बता? यही हमारे पास और कोई है ही नहीं चारा कोई है जो घरों में खड़ी हैं, जैसे ऑफिसर आप बैंक में लग रहे हो, टीचर है कोई, उनकी एक हफ्ते में एक ही बार गाड़ी चलती है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, वो क्या करेगा? इसमें मुलाजमों की भी तो गाड़ी है सरकार की, वो जो है मिनिस्टर हैं जी जितने, उनकी भी तो खुद की गाड़ियाँ हैं, कोई हमारी थोड़ा कर लेगी? ये तो सभी प्रशासन की है। सर आप क्या कहेंगे, जैसे कि ये गवर्नमेंट ने जो कानून लागू किए हैं इनको मद्देनजर रखते हुए मेरा तो ये कहना है कि ये गवर्नमेंट के गलत है कानून बनाए हुए। जब ऐसे एक बार देखो आप, गाड़ी है मेरे पास 10 मॉडल, मेरी गाड़ी आज तक ओनली 1 लाख किलोमीटर चली है जी। और
कोई गाड़ी दूसरी 20 मॉडल गाड़ी भी मेरी गाड़ी के पास खड़ी करके देखोगे ना, तो आप खुद देखोगे भाई ये गाड़ी इसके पासिंग है या नहीं है। गाड़ी है जैसे गवर्नमेंट बोली है प्रदूषण फैला रही है गाड़ियाँ, प्रदूषण तो मेरी गाड़ी आप स्टार्ट करके देख लेना, अगर धुआं कहीं से भी थोड़ा सा भी दिखाई दे धुआं तो आप खुद जब्त करवाने के लिए तैयार हैं गाड़ियाँ। इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट ने सोच तो लिया, अब 4 साल में 5 साल में लोन क्लियर किया है और अभी तक तो लॉकडाउन की तो ड्यू जो लगी हुई है किस्त वो तो दे ही नहीं गई है, चुकाई नहीं गई अभी तक, उसी की मार से पहले ही मरे हुए हैं। और जो ये गवर्नमेंट सोच रही है इसको गाड़ी को बंद कर दे, अब मेरे को ले लो 4 साल में गाड़ी क्लियर की, अब कुछ कमाने का या घर चलाने का कोई सिस्टम बनता है तो गाड़ी जब्त करा दो, तो एक मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट गलत कर रही है, गरीब आदमी बहुत मारा जाएगा इसके अंदर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो आप क्या कहेंगे, आप भी ड्राइवर हैं, क्या क्या असर पड़ेगा? सर सरकार अपनी सरासर मनमानी कर रही है और ये गलत है, हम सरकार से ये अपील करेंगे कि हमारा कोई ना कोई समाधान करे। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, ऐसा पहले भी सरकारें आई हैं, पहले की सरकारों में कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे पता क्या, इससे सीधा साबित होता है कि सरकार की नई गाड़ियां निकलेंगी उनमें पैसा बनेगा और ये इन गाड़ियों को बेचेंगे, इनको भी कबाड़ करके अपना पेट भर लेंगे, ठीक है जी। और ये लोगों को सरेआम या तो गाड़ी खोसो और उनको आत्महत्या करने की सीधी वो कर दो बस। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे सरकार से, हमारी यही अपील है कि हमारा कोई ना कोई या तो समाधान करे या फिर जो हमारा जो पैसा एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो हमारा पैसा रिटर्न हो बस। तो सर आप कुछ और कहना चाहते थे? मैं ये कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट बोल रही है कि आप लोगों की गाड़ियों की वजह से प्रदूषण इतना फैला हुआ है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो दारू की फैक्ट्रियाँ हैं या और कोई फैक्ट्री है उससे जो धुआँ निकलता उसका कोई है इसके पास, इनके पास कोई मसला हल है? वो तो नहीं है ना इनके पास। वो फैक्ट्रियाँ बंद करवाओ जो जहाँ से प्रदूषण फैल रहा है वो बंद करवाओ ना, गाड़ियों से कितना प्रदूषण फैल रहा है, हर बार प्रदूषण कटवाते हैं गाड़ी का तो उसके अंदर ओनली रिजल्ट अच्छा ही आता है भाई, गाड़ी ओके है फिलहाल। अगर गाड़ी के अंदर प्रदूषण किस लिए देखते हैं, पुलिस वाले कहीं पर भी जाते हैं नाका चेक करते हैं, 1100 रुपये का इसका चलान है प्रदूषण का, तो वहाँ चेक करते हैं भाई प्रदूषण गाड़ी का ओके है या नहीं है, तो उसके अंदर अगर ओके दिखा रही है तो कहाँ से प्रदूषण फेंक रही है गाड़ी? बिल्कुल। तो बहुत बड़ा सवाल है जो इन भाई साहब ने यहाँ रखा है, अगर गाड़ी की वजह से प्रदूषण फैलता है तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, इन्होंने बात की है शराब की फैक्ट्रियाँ, और भी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं तो वो भी काफ़ी प्रदूषण फैला रही हैं। तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से यही अपील करेंगे कि इनकी तरफ सरकार थोड़ा ध्यान दे और इस कानून को बदला जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।